थैंक यू, थैंक यू सो मच। That's okay. मैं एज एन एक्टर बताती हूँ कि ये मेरे लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वाली फीलिंग है, क्योंकि मैंने सिंगिंग 5 ईयर्स पहले शुरू की, तो ये एक वो सॉन्ग है जो पब्लिक के तक इतना पहुंच रहा है एंड पीपल आर लाइकिंग इट। तो मैं इस टाइम आई एम नाइन ऑन क्लाउड 9, आई कैन से, सो आई एम रियली हैप्पी। एज एन सिंगर, सिंगर को हमेशा ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि उसका सॉन्ग हिट होगा ऑब्वियसली, और लोग तेरी माँ को बहुत पसंद कर रहे हैं इस टाइम, और आपने बोला 1.7, इट्स आई थिंक सो 2 मिलियन, अभी मुझे न्यूज़ आई है, या जस्ट, सो आई एम वेरी हैप्पी। ये मोमेंट मेरे लिए सबसे बड़ी मोमेंट है कि लोग इस गाने को इतना प्यार दे रहे हैं, एज एन सिंगर मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये। मैं तो खुद ही अपने गाने को ऑन लूप सुन रही हूँ, रिपीट पे है, और गुनगुनाने का ऐसा है कि ये इतना कैची नंबर है कि बस दिमाग में यही चल रहा है, तेरी माँ तेरी माँ तेरी माँ। सेम है, सेम है। हो जानी मेरी जानी सुन कन खोल के, तेरे पीछे रखती जवानी रोल के, ओ चानी मेरे जानी सुन कान खोल के, तेरे पीछे रखती जवानी रोल के, तू जिस दिन मिलदा नहीं मेरे अंदरों निकल देनी सा, मैं तेनू जिना प्यार कर दी, मैं तेनू जिना प्यार कर दी ओना कर दी नहीं होनी तेरी माँ, मैं तेनू जिना प्यार कर दी ओना कर दी नहीं होनी तेरी माँ, मैं तेनू जिना प्यार कर दी ओना कर दी नहीं होनी तेरी माँ, तेरी माँ 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 इना कर दी नहीं होनी तेरी माँ। थैंक यू सो मच। मेरी मम्मी से रिलेटेड बहुत सारी मेमोरीज हैं ऐसी, क्योंकि मैंने जब गाना शुरू किया था तो मेरी मम्मी ने मुझे उंगली पकड़ के लेके गए थे, तो दैट टाइम आई वाज 11 इयर्स ओल्ड। तो मम्मी और मेरा बॉन्ड एक डिफरेंट बॉन्ड है, क्योंकि उन्होंने हर कदम पे, यहाँ आप ये सोच लो अगर मैं आज यहाँ पर हूँ तो शायद उनकी वजह से हूँ। तो ज़िंदगी में माँ से ऊपर कोई चीज़ नहीं है, तो मेरे साथ उनकी बहुत सारी ऐसी मेमोरीज़ हैं जो मेरे दिल में है। ऑब्वियसली माँ से ऊपर तो कुछ भी नहीं होता, दिस सॉन्ग इज़ जस्ट अ टीजिंग लव सॉन्ग, बाकी मैसेज भी ऑब्वियसली हम यही दे रहे हैं जैसे आपने वीडियो में भी देखा होगा। और मेरी मेरी मम्मा के साथ, मतलब हमारी मम्मी एक ही हैं, तो मेरी मम्मी के साथ, मतलब माँ के साथ तो ऑब्वियसली अनगिनत मेमोरीज होती हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि एवरी डे हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि उनके साथ मेमोरी बन ही जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हाल ही में वो पीछे वो कुछ बीमार हो गई थी, तो वो एक चीज़ है जो हमेशा मेरे दिमाग में चलती रहती है कि वो ठीक रहें वो ठीक रहें ठीक रहें। बस वो जो एक टाइम था जब व्हेन शी वाज हॉस्पिटलाइज, तो वो टाइम जो मैं उनके साथ वहाँ पर थी, हम लोग सब थे, तो वो एक मेमोरी ऐसी जो दिमाग में ऐसे बैठ गई है, जो सबसे ऊपर है इस टाइम के, जिससे लगता है कि बस वो ठीक हो जाए, बस दैट्स इट, नाउ शी इज़ फाइन। क्या कुछ कहना चाहेंगे
इंडिया में भी अब लोग सिंगल वीडियो को, सिंगल म्यूजिक वीडियो को लोग बहुत ही पसंद कर रहे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और प्यार मिल रहा है आजकल सिंगल गानों का बहुत ट्रेंड आ चुका है, काफ़ी टाइम से है और पंजाब में तो ये शुरू से ही है, तो बहुत अच्छी बात है। ऑब्वियसली हर इंसान तो बॉलीवुड का प्लेबैक सिंगर नहीं बन सकता, तो ट्रू ये एक एक इतनी अच्छा मौका मिल गया लोगों को अपने टैलेंट को आगे लेकर आने का, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और ऑब्वियसली मैं जो कि अभी हाल ही में शुरू किया, तो मेरे लिए तो पर्सनली बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैं अगर बॉलीवुड ट्राई करने जाऊँगी तो ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम फॉर मी। तो इट्स गुड थिंग, आई रियली अप्रिशिएट दिस थिंग के सिंगल्स का जो दौर अभी चल रहा है और अच्छे से। हम आज देखेंगे आपको आने वाले दिनों में हॉलीवुड के गाने वहाँ पे देखेंगे। मैं हॉलीवुड ही जाना चाहती हूँ ऐसा कुछ नहीं है, बट बॉलीवुड डेफिनेटली आई वांट टू स्टे हियर। या आई विश कि जल्दी आप कोई ऐसे थैंक यू सो मच, बियॉन्से या जस्टिन वाओ थैंक यू सो मच। ऑफ कोर्स एज एन सिंगर ये जो आज सिंगल्स का दौर है, इससे सिंगर्स ज़्यादा पहचाने जा रहे हैं अपने बाय नेम, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि जब सिर्फ बॉलीवुड आर्टिस्टों की, प्लेबैक सिंगर्स की पहचान होती थी। इससे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है सारी सारे न्यू कमर्स को और हम जैसे आर्टिस्टों को, कि हम अपना कुछ चीज़ें लोगों को, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड इट्स अ बिग थिंग, या इट्स अ वेरी गुड थिंग कि लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, अब बॉलीवुड में भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। आप तो एक्टर भी बनना चाहते हैं, तो हम मतलब देखेंगे आपके ही अपने गाने में फीचर भी करते हुए हैं, लाइक गाने गाना तो आप लोग गाते ही अच्छा, बिल्कुल तो आने देखेंगे। वाले दिनों में कोई ऐसी प्लानिंग चल रही है? क्योंकि मैंने पंजाब में देखा है कि हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा कुछ शूटिंग होती ही रहती है गाने को लेकर, उसमें फीचर करना, खुद उसमें करना। मैं ज़रूर आना चाहूँगी, अपने खुद के सॉन्ग में फीचर करना चाहूँगी हीरोइन बन के, तो लेट्स सी, बाकी होप फॉर द बेस्ट। आप कुछ कहना नहीं चाहते नहीं नहीं हैं? इंडिपेंडेंस डे भी है टुमारो, तो इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड कोई एक ऐसे पेट्रियोटिक सॉन्ग या कोई भी आप लोग का फेवरेट, अगर आप लोग जाते जाते अगर आप सुना सके। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थैंक यू सो लेकिन थोड़ी मच। टाइम की प्रॉब्लम है, जाते जाते आप हार मेहंदी डॉली एंड हार मेहंदी रूप, हमारी तरफ से सभी को इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी हाय, मैं हूँ डॉली और सभी को मेरी तरफ से इंडिपेंडेंस डे। हाय दिस इज डॉली सिद्धू और सभी को मेरी तरफ से इंडिपेंडेंस डे की, तुम पहले बोल दो। हाय आई एम रूप सिद्धू और मेरी तरफ से सभी को इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं। हाय मैं हूँ डॉली सिद्धू और सभी को इंडिपेंडेंस डे की मेरी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक मच, यू थैंक यू, थैंक यू। शमिता जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका फर्स्ट पंजाबी सॉन्ग आ चुका है और हमने देखा कि आई थिंक आज ही मैं देख रहा था कि 1.7 मिलियन क्रॉस यस कर चुका है। यस सबसे पहले तो ये बताइए कि मतलब आपका पहला ही पंजाबी सॉन्ग है और हम देख रहे हैं कि लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, पॉजिटिव वे में जा रहा है, ढेरों सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप इन सारी चीज़ों को? जब भी आपकी पहली चीज़ जो कुछ निकल, चाहे फिल्म हो ना ना फर्स्ट पंजाबी सॉन्ग है, अच्छा जाता है, तो कैसे देखते हैं आप इसे? वेल ऑनेस्टली जो भी हम लोग काम करते हैं, उम्मीद तो यही है कि सक्सेसफुल हो। एंड मेरी ये पहली म्यूज़िक वीडियो है एंड पहली पंजाबी म्यूज़िक वीडियो है, तो आई वाज रियली होपिंग कि अच्छा करे। एंड एक्चुअली जो बाकी के जो टीम है, जो राइटर सिंगर्स जो भी है, दे आर वेरी वेल नोन इन द फील्ड, जैसे बी प्राक है, जानी है, रूप एंड डॉली है, तो टीम बहुत ही अच्छा है। एंड सब लोग तो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि गाना अच्छा करेगा, लेकिन फिर भी यू नेवर नो ना,
मैं बहुत खुश हूँ कि लोगों को पसंद आ रहा है गाना, एंड आई होप कि अभी तो सिर्फ 1.7 मिलियन क्रॉस हुआ है और बहुत नंबर्स आने बाकी है. हाँ, तेरी माँ बहुत ही अच्छे से किया गया है. जीजू ने डायरेक्शन की है. हाँ, वो मेरा अगला सवाल. सो कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल? हमने देखा गाने हमें बहुत ही अच्छा विजुअल में हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है. हाँ, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस शूटिंग का? बहुत ही अच्छा फन एक्सपीरियंस था एक्चुअली. हम लोगों ने गाना एक दिन में शूट किया था, मॉर्निंग टू नाइट, तीन लुक्स. और गर्मी का मौसम था, इट वाज समर्स इन मुंबई, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट था. लेकिन जब मैं कैमरे के सामने हूँ, ऑनेस्टली मैं सब भूल जाती हूँ, स्पेशली व्हेन आई एम डांसिंग. एंड आई थिंक मैंने ये गाना इसलिए किया क्योंकि पहली बार ही सुनने पे आया था और इट वाज अ वेरी फन पेपी नंबर. और पंजाबी तो मुझे आती नहीं है, लेकिन जो लिरिक्स है, जीजू ने एक्सप्लेन किए मुझे कि लिरिक्स क्या है, एंड आई थॉट दैट वाज रियली स्वीट. यू नो, जैसे इन इंडिया आई थिंक हमारे जो मर्द है ये समझते हैं कि उनको अपनी माँ से ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकते. तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द सॉन्ग इज़ इट टेलिंग यू. एंड ये एक लड़की है जो एक लड़के को बोल रही है कि यू नो यू थिंक दिस बट मैं तुमको ज़्यादा प्यार करती हूँ. एंड इट वाज अ वेरी स्वीट कॉन्सेप्ट. और डायरेक्ट भी बहुत अच्छी तरीके से किया है जीजू ने, एंड कोरियोग्राफी भी रंजू ने बहुत अच्छा किया है. मुझे बस कुछ घंटे मिले रिहर्सल के लिए, लेकिन आई थिंक जो हुक स्टेप रंजू ने डाला है गाने में, इट्स समथिंग दैट एवरीबडी कैन डू. एंड ऑल इन ऑल आई थिंक द सॉन्ग लुक्स रियली कलरफुल, लाइक अ पंजाबी वीडियो, यू नो. एंड जब डायरेक्टर की हम बात करते हैं, जब आपके खुद के घर के ही हो, तो मतलब क्या कुछ फीलिंग होती है कि हाँ चलो सेट पर जाएंगे? अरे मेरे जीजू ही तो है. हम ऐसे नहीं 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 ऐसा ऐसा नहीं है. नहीं 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 ऐसा नहीं है. नहीं नहीं नहीं, एक तो वो मेरा एटीट्यूड नहीं है. वैसे तो मैंने शिल्पा के साथ भी काम किया है एक फिल्म में, सो इट्स नॉट अबाउट दैट. वी वेंट ऑन टाइम, शूटिंग टाइम पे शुरू हो गई, एंड वो बहुत ही काम थे सेट पे. एंड उनका नेचर ही ऐसा है इन जनरल ऑल्सो, ही इज़ वेरी काम. वो हमेशा हंसते हैं, एंड इट वॉज अ लवली एक्सपीरियंस वर्किंग विद. शायद ही पता, आई डोंट थिंक आगे डायरेक्ट करने वाले हैं वो, कुछ पता नहीं मुझे, लेकिन मेरे लिए तो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी था. ऑफकोर्स देखा है. सभी लोगों को बहुत पसंद आया, मम्मी, शिल्पा, ऑल ऑफ देम. ऑब्वियसली फैमिली है, तो पहली बार जब शिल्पा ने आई थिंक गाना सुना, तो she loved it. And जैसे मैंने कहा, I think considering एक दिन में शूट किया है, I think they've shot it very well. And Sumita, you know, present time में हम देख रहे हैं कि single जितने भी single music video आ रहे हैं, बहुत ही हमारे इंडिया में पसंद किए जा रहे हैं. जबकि कुछ एक time पहले ऐसा था कि सिर्फ हिंदी फिल्म के गाने ही लोगों को पसंद आते थे, बल्कि single इतना लोगों को नहीं पसंद आता. तो हम ऐसा माने कि आने वाले दिनों में हम आपको और भी लाइक मोर एंड मोर सिंगल वीडियो देखेंगे और भी, पहले तो ये समझना. ऑनेस्टली पता नहीं, क्योंकि मैं कभी भी ऐसे प्लान नहीं करती हूँ. मेरे करियर में जो भी मैंने किया है क्योंकि उस वक्त मुझे लगा कि वो सही वक्त था वो करने के लिए. जैसे ये गाना भी मैंने कभी पहले ये डिसाइड नहीं किया था कि मुझे अभी एक म्यूज़िक वीडियो करना है. इट्स नथिंग लाइक दैट. आया एंड मुझे करना था, मैंने कर लिया. अब आगे अगर कोई अच्छा गाना आएगा तो शायद मैं करूँगी, पता नहीं. So, जब ये लाइक सब शूटिंग हो रही थी, तो अब कुछ ऐसे मन में डर भी होता है कि अरे यार अब लोगों को पसंद आएगा या नहीं? नहीं 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 नहीं. अगर उन सब बारे में मैं सोचने जाऊं तो काम नहीं कर पाऊंगी मैं.
मुझे आई ऑलवेज बिलीव दैट जो भी काम कर रहे हैं गिव योर 100%, उसके बाद जो होना है होगा. दर इज़ नो पॉइंट थिंकिंग अबाउट इट. एंड ये गाना शूट करने के टाइम भी ऑनेस्टली आई लव डांसिंग, सो मेरे लिए बिगिनिंग से एंड तक दिस वॉज अ लॉट ऑफ फन. जैसे मैंने कहा, जब मैं कैमरे के सामने हूँ तो मैं सारा कुछ भूल जाती हूँ. आई बिकम अ डिफरेंट पर्सन आई थिंक. सो इट वॉज अ फन एक्सपीरियंस. ऑन लोकेशन शूट का कुछ एक्सपीरियंस, क्योंकि हमने सुना कि बहुत ही गर्मी थी एंड गर्मियों में ये सब शूट हुआ, हालांकि एक दिन में आपने बताया कि शूट हुआ लेकिन गर्मी थी. एंड ऑन लोकेशन का जरा कुछ एक्सपीरियंस आप जरा बताएं. हम लोगों ने मडाइलिट में शूट किया था. एक छोटा सा सेट, मतलब इट द हाउसेज एंड ऑल वर ऑलरेडी देयर, लेकिन वो जो कलर्स चाहिए थे उस हिसाब से पेंटिंग किए गए थे हाउसेस पे. एंड यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स वर एडेड टू गिव इट दैट ब्यूटिफुल कलरफुल फील. बट जैसे मैंने कहा, बहुत गर्मी थी. वी वर स्वेटिंग अवे, बट एट द एंड ऑफ इट जब गाना देखेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा कि गर्मी कितनी थी, ब्ला ब्ला जो बिहाइंड द सीन्स हो रहा था. एंड रिजल्ट अच्छा हुआ है एंड दैट्स ऑल दैट मैटर्स. वो अब हम देख रहे हैं कि लोगों को पसंद भी आ रहा है. यस, चलिए जाते आते हैं. टुमारो इज इंडिपेंडेंस डे भी है, तो क्या कुछ एनी स्पेसिफिक प्लानिंग करती हैं आपकी इंडिपेंडेंस डे के लिए? मतलब कि कहीं झंडा फहराने वाली हैं या फैमिली मेंबर्स के साथ में आप लंच पर डिनर पर जाने वाली हैं, या क्या कुछ प्लानिंग हो रही है? वेल, इंडिपेंडेंस इज समथिंग दैट ईच एंड एवरीवन शुड सेलिब्रेट एवरी डे. बट कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल तो नहीं करने वाली हूँ इंडिपेंडेंस डे के लिए. हाँ, परेड डेफिनेटली देखूँगी मैं जो टीवी पे आता है सुबह सुबह. एंड इट्स अ प्राउड मोमेंट दैट इज सेलिब्रेटेड वंस अ ईयर. एंड आई एम अ प्राउड इंडियन. तो बस अमीन उतना ही करूँगी. मैं झंडा वंडा लेके ये कुछ करती नहीं हूँ ऑनेस्टली. कुछ एक्स्ट्रा नहीं करती. जाते जाते अपने फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे जिन्होंने मिलियंस ऑफ व्यू दिया है गाने को और लोग पसंद कर रहे हैं इस गाने को, अभी भी लोग देख रहे हैं? वेल, बस थैंक यू बोलना चाहूँगी एंड ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि और जाए गाना देखे. आई वॉन्टेड टू क्रॉस, इट्स जस्ट क्रॉस 1 million नाउ. It has to cross many more millions. And bas aise hi pyar dete rahiye. And I also have a film that is going to come out end of this year. So you will see more of me. Yeah. Thank you, ji. Thank you. So thank you so much. And good luck. Thank you. Yeah. Next, ready? Seventh floor. Achha.